हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग निकल पड़े मस्ती करने के लिए, माँ बेटे और पापा हमारे धन्नो है ये। तो हम सब निकल पड़े, वीकेंड है तो 3-4 दिनों से हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि हम जाएंगे फिश टनल घूमने के लिए, एक्वेरियम घूमने के लिए। लेकिन कभी बारिश आ जा रही है तो कभी लेट हो जा रहे हैं हम, कभी शाम हो जा रही है, कभी कुछ। तो आज फाइनली प्रोग्राम हमारा बन ही गया। तो वीकेंड भी है तो देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। हम आ भी गए तो ये है रोहिणी, सेक्टर 11 में लगा हुआ है एक्वेरियम फिश मेला। और आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। और आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। और मेला में जो जो दिखता है उससे कुछ अलग है इसमें, और क्या अलग है आप लोग चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों का। एक्वेरियम और टनल फिश दोनों चीज़ें हैं, इतने सारे जानवर दिख रहे हैं, इतने सारे जानवरों की मतलब जो कहते हैं ना पिक लगी हुई है। और ये देखिए फिश, बहुत अलग अलग तरह की फिशेस हैं इसमें, कलर भी लाइट लगा रखे हैं ना, कलर वाली लाइट, तो लाइट से भी फिश कलर कलर के दिख रही हैं और अलग कलर के भी हैं। तो अभी तो आपको ये मीडियम साइज़ की फ़िश दिख रही हैं, और ये देखिए इधर कितने सारे जानवरों की पिक्चर लगी हुई है। और ये फिश देखिए अलग अलग वैरायटी के, बड़ी अच्छी अच्छी फिशेस थी इसमें बहुत। ये देखिए थोड़ी छोटी छोटी हैं तो ये वाइट वाइट सी हैं, पूरी लाइट जल रही है रेड तो इस वजह से दिख रहे हैं ऐसे। और ये देखिए छोटी 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 छोटी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी फिश। मन करता है ना कि ले चलें उठा करके हम इन सब को, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, क्यों है ना। फिर हम लोग आ गए टनल में, ये फिश टनल है, इसमें भी बहुत सारी फिशेस हैं। देखिए आप, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। हमारी वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए और हमारी वीडियो के मज़े लेते रहिए। और ये फिश देखिए छोटे छोटे हैं ना, अभी आगे आपको बहुत बड़ी बड़ी फिश देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, और मेरा बेटा तो मतलब देखने के लिए पागल हो रखा था, अरे फ़ोटो खिंचवा लो बेटा, सब यहाँ पे फ़ोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, लेकिन इसका कुछ नहीं। नहीं मम्मा, इसकी बातें सुना आप लोगों ने, इतनी कलरफुल की छोटी छोटी छोटी, इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी की फिशेज हैं, नाम तो हमें पता नहीं है लेकिन बहुत वैरायटी की फिश लगे हैं। यह देखिए पानी खुल रहा है, सब किनारे में लगी हुई हैं। और यहाँ इतने प्यारे, हम लोग उसे टच कर रहे थे ना, बार बार टच कर करके देख रहे थे कि कहीं मतलब हमारा हाथ लगे तो वो भाग जाए, लेकिन उसके शीशे जो थे ना वो बहुत मतलब मजबूत थे, बहुत मोटे थे, तो बिल्कुल मतलब फिश को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ किसका हाथ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने कांच को भी रखा हुआ है कि कुछ भी ना हो। तो ये पापा गोदी में आ गया है, ये देखिए फिश येल्लो। हम लोग ने बहुत मज़े किए, झूले पर भी झूला, बेटा मैं नहीं झूल पाई क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन क्या करेंगे, बच्चा है ना, बच्चे के लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ता है, बच्चे के लिए जीना है, बच्चे के लिए ही मरना है, बस यही एक हमारी दुनिया है हम दोनों की, तो सब कुछ इसी के लिए करना है। और पता है ना, बचपन में जो ख्वाहिशें पूरी ना हो ना, तो बड़े होने के बाद से ना बिल्कुल क्या होता है ना कि एक एज होती है, सबको पता होता है इस चीज़ को, जो इस एज ग्रुप से बाहर आया है ना उसे पता है, एक एज होती है जिसमें मस्ती और इन्जॉय बहुत अच्छा लगता है। एक एज जैसे जैसे निकलती जाती है ना, तो फिर ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये देखिए टनल से हम बाहर आए, मौसम इतना प्यारा हुआ था ना, इतना प्यारा मौसम हुआ था कि देख के बहुत खुशी हो रही थी, डर भी लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए। तो इसको रिंग के लिए बहुत वो रखा था कि मुझे ना लेज़र लाइट चाहिए, लेज़र लाइट के लिए बार बार उसी पे फेंक रहा था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और यहाँ कोई भी चीज़ें 100 से नीचे है ही नहीं है, झूले शायद एक 60-50 ऐसे कुछ है, तो बाकी सब 100 100 100। तो बेटा मेरा बहुत मस्ती किया, हम लोग भी इस एज में थे ना तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन सबको पता है गाँव में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, जब मिलने लगती हैं तो फिर मन नहीं करता। मुझे झूले बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े वाले झूले, लेकिन बचपन में बहुत अच्छा लगता था झूलना, लेकिन हमें ये मिलते बहुत कम थे, और अब बहुत मिलते हैं तो अब डर लगता है झूलने में। तो ये तो खूब मस्ती किया, और हम भी इसके साथ मस्ती करते हैं, अब बच्चों की आँखों से और बच्चों के मन से हमें मस्ती करना है। अपना मन तो कोई नहीं, जितना हो सकता है बस उतना ही हम कर सकते हैं, और बहुत मतलब बहुत इन्जॉय, इसने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोग हमारी वीडियो में देखते रहिए,
कि ये क्या क्या किया है, मम्मा मम्मा मम्मा। फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न ख़रीदा और हम दोनों खा रहे थे, फिर ये आया, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, लेकर के भगा। फिर आप देखिए ये मिकी माउस वाले पे आ गया, तो यहाँ पे इसका मस्ती देखिए आप। ये ना मतलब अलग हाइपर वाला बच्चा है, हर चीज़ें इसको करनी है, क्या है क्यों है कैसे है। कुछ डरते हैं, कुछ बच्चे शर्माते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल डर नहीं आता। ये जो मतलब दिमाग में इसके आता है खुराफात वो करता है। आप देखिए कैसे ये चढ़ रहा है, जिधर से स्लाइड करना है उधर से ही चढ़ेगा और फिर वापस उधर से स्लाइड करेगा। आप देखते रहिए इसकी हरकतें, ये देखिए अब उस तरफ से स्लाइड किया, फिर इधर से चढ़ेगा। इसकी ना शरारतें बहुत वो रहती हैं, बहुत हम इतने परेशान रहते हैं ना कि हम इसकी शरारतों की वजह से कहीं ले के भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कब हाथ छोड़ा के कहाँ भाग जाए इसका कुछ पता नहीं है। हम पॉपकॉर्न खा रहे थे तो मांग रहा था, फिर पापा और बेटे यहाँ पे कार वाले गाड़ी पे मस्ती किए, बहुत सा बहुत मस्ती किए ये लोग। मैं नहीं गई क्योंकि ऑपरेशन था, तो इस वजह से थोड़े से झटके वगैरह लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से हम लोग नहीं मैं नहीं गई, ये पापा और बेटे दोनों गए। तो दोनों ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की है। आप लोग देखिए पता नहीं ये बना कैसे रखे हैं, ये भी 100 के चार्जेस हैं, इसके भी इसका भी चार्जेस 100 ही है। तो पापा और बेटे खूब मस्ती की, बहुत मस्ती की, गाड़ी से गाड़ी टक्कर हो जा रहे थे बार बार। तो एक मैं तो नोएडा मॉल में ये मस्ती कर रखी हूँ इससे पहले, बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्तियाँ करते हैं हम लोग। तो इस झूले में ना बहुत वो है, बहुत मतलब अलग अलग तरह के झूले हैं, खाने का स्टॉल है, कपड़ों के स्टॉल आ गया, आपको दिखेगा मेरी वीडियो में कि क्या क्या है। ये देखा यहाँ पे करा, पानी बहुत गहरा है मैं नहीं जाऊँगा, फिर यहाँ आ गया जंपिंग के लिए, फिर यहाँ से करके निकला, गाड़ी चलाना है तो फिर गाड़ी चलाया। तो गाड़ी पर भी ये बहुत मस्ती किया, बहुत बस एक राउंड लगाते हैं ले आके छोड़ देंगे, ये भी ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। और इतना घूमने के बावजूद भी इसका जी नहीं भरता है, मम्मा ये चाहिए मम्मा वो चाहिए। और यहाँ पे ना एक स्टेज लगा हुआ था, तो इस स्टेज पर भी जिसके पास जो हुनर है, जो आता है, डांस है कॉमेडी है जो भी है, सब लोग अपना हुनर यहाँ पे आजमाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत डांस कर रहे थे। हेलो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा जी, नाम क्या है आपका? पीयूष पीयूष दुबे। ओके तो पीयूष दुबे क्या परफॉर्म करेंगे आप? नहीं अरे जोक सुनाएंगे आप। सेकंड माइक देना मेरे को रोकी। वैसे क्या करते हो आप? मैं जी स्टैंड अप कॉमेडियन करता हूं। अच्छा स्टैंड अप। अरे यार आजकल इसमें बड़ा लोग अपना फ्यूचर बनाने हैं। एक वो मुनव्वर फारूकी था वो पिटा बहुत था, लेकिन आप ऐसा कुछ तो नहीं करते ना? ओके स्टैंड अप कॉमेडी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग अभी मैं भेजूंगी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टैंड अप कॉमेडी का। सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत फेमस हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आप कैरियर बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में। सो अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले मुझे। हेलो हेलो, मेरी एक बार शादी हो चुकी है। एक ही बार हुई है? सबकी एक ही बार होती है। हाँ किसी किसी की दो तीन बार भी हो जाती है या बात अलग है। आगे मैं 2010-11 में लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्ट हुआ था जी। फिर उसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे कुछ? ओके प्लीज नमस्ते जी। जो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे सम्मान में इतनी जोरदार तालियां बजाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जितनी तालियां आपने बजाई उतनी तो मैं अकेले ही बजा सकता हूँ, फिर आप लोगों की क्या ज़रूरत। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कलाकार के नाम पर ताली नहीं बजाता है वो अगले जन्म घर घर जाके बजाता है। भाई मजबूर मत कर यार, मेरे को बजानी पड़ रही है। तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ, तुम गुल हो तो मेरा निकाह पढ़ाया जिस परी के साथ, वो बेगम फरार हो गई उसी मौलवी के साथ। कि तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ, तुम गधा हो तो मैं हनुमान जैसा दिखता हूँ। तुम गुल हो तो मैं गुलजार जैसा दिखता हूँ, तुम गधा हो तो मैं हनुमान जैसा दिखता हूँ। जब से खुद को तुम समझने लगी हो ऐश्वर्या राय, तब से मैं भी सलमान खान जैसा दिखता हूँ। जोरदार तालियां, तभी तो मजा आएगा।
अच्छा गाने बहुत अजीब अजीब से बने, एक गाना आया पार्ट बिगड़ मंगवा दे तू अंगारों पे है अरमा ओ बलमा ओ बलमा। अच्छा एक के घर में आग लग गई, वो इसी गाने के माध्यम से अपने पति को कैसे बुला रही है, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू आग लगी है घर मा ओ बलमा ओ बलमा। पति बोला रे आग कैसे लगी, बोला तेरा रास्ता देख रही थी सिगरेट रोटी सेक रही थी आग लगी है इसने तावल में ओ बलमा ओ बलमा। पति बोला सिंपल पानी डाल आग को बुझवा, अब तो दिल्ली में केजरीवाल ने पानी भी फ्री कर रखा है। बोली अरे आग को कैसे बुझवाऊं मैं, पानी नहीं है इस नल में ओ बलमा ओ बलमा। इन्हीं के चलते केजरीवाल अंदर बैठा है बेचारा। मेरी पत्नी बोली कि मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ, मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाके दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तालियां भी एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए प्लीज, थैंक यू। ओके तो कौन कौन रह गए जिन्हें भड़ास निकलने बाकी है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत सारी सावधानियां बरत रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हो, आपका फालतू का प्यार बच्चों को अगर चोट खिलवाता है तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ओके रेडी ऑन द फैक्ट प्लीज। कलेजे में ठंडक इस गाने की ऐसी तैसी करके कैसा फील कर दिया। सपोज कर जो तू टंगे उठा रहा था अगर पीछे से कच्चा फटा होता तेरा तो क्या होता, नहीं कुछ नहीं समझता या भी गाने के लिए। ओके तो ये इतना मतलब कुराप हाथ है, स्टेज पे गया कैसे डांस किया था ये देखिए, कटर है आलू प्याज काटने वाला, आप लोग अक्सर देखे होंगे, बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं इस तरह की। और देखिए मेले झूले कितने बड़े बड़े हैं, कितना मज़ा आता है ना झूलों पे, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मैं अब गिरी कि तब गिरी, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। और यहाँ हर चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं अच्छे रेट पे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें घूम करके देखे, लेकिन हम खरीदे कुछ भी नहीं क्योंकि सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है हमारे, तो फिर हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं, बस खाने के लिए नमकीन वगैरह कुछ थे अच्छे लगे केरल का था तो थोड़ा बहुत वही ख़रीदे, दो चार वैरायटी के, और सारी चीज़ें बहुत महंगी थी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।